भैया शॉप का क्या नाम है? सानी स्टाइल। सानी स्टाइल से हम लोग शुक्रिया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी निशादाब खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी तक आपने ये सारी प्रिपरेशन तो देख ही ली होगी जो मैंने व्लॉग में आगे डाली है। आप समझ गए होंगे कुछ तो होने वाला है, तो मैं आपको अब बता देती हूँ कि क्या है। 2nd of Feb को, यानी कि 2 फरवरी को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। 1 साल कब हो गया पता ही नहीं चला। तो 2 तारीख को हमारी एनिवर्सरी है और आज है 2 दिन पहले, मतलब आज है 31st of January। हाँ, तो आज या कल परसों नरसों हम लोग 3-4 दिन से लगातार शॉपिंग कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा तैयारियाँ होती हैं, आप लोगों को तो मालूम ही है। तो मैं व्लॉग ज़्यादा नहीं शूट कर पा रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें व्लॉग में लूँ, क्योंकि टाइम की बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि शॉपिंग करो तो फिर व्लॉग नहीं हो पाता है, व्लॉग करो तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे लेना क्या है। तो 2 दिन से तो मैंने कपड़े वगैरह को ऑर्डर दे दिया है। आज मैं अपना ड्रेस और श्रद्धु का ड्रेस उठाने वाली हूँ, तो आपको ज़रूर ले चलूँगी वहाँ कि मैंने कहाँ से परचेस किया है। बहुत ही अच्छी ड्रेस है, बहुत अच्छी, बहुत लाजवाब ड्रेस ली है। तो उसी की सब तैयारियां चल रही है हमारी एनिवर्सरी की। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा क्या 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 हो रहा है और हम क्या क्या कर रहे हैं, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और ये देखिए मेरा रूम, क्योंकि बीच में शादियां भी पड़ रही हैं, हम लोगों को शादियों में भी जाना पड़ रहा है। रूम इतना गंदा, इतना मैसी हो रहा है, कुछ साफ़ करने का ये टाइम नहीं मिल रहा है। रोज़ वार्डरोब से नए नए कपड़े निकाल के मतलब बाहर रख देती हूँ, क्योंकि रोज़ कहीं ना कहीं जाना हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ ऑफ़िस, क्योंकि ऑफ़िस भी ज़रूरी है। शद्दू चले गए हैं बुकिंग कराने, वीडियो बनेगी ना, वीडियो की बुकिंग कराने चले गए हैं। और मैं अभी जा रही हूँ ऑफ़िस रेडी होके, क्योंकि थोड़ा सा काम बचा है पेंडिंग। 2 दिन ऑफ़िस नहीं जा पाऊँगी, इसलिए उसे क्लियर करना है। उससे थोड़े बहुत पीसी हैं, उसे डिस्पैच करवाना है, बिल ईवी वगैरह बनाना है। तो अभी मैं ऑफ़िस जा रही हूँ, ऑफ़िस से 2 घंटे के बाद वापस आ जाऊँगी। उसके बाद जाऊँगी अमीनाबाद, थोड़ा सा मेकअप लेना है और कुछ ज्वेलरी लेनी है। मैं सोच रही हूँ इस बार गोल्ड नहीं पहनूंगी, क्योंकि गोल्ड पहन के थोड़ा सा बोर हो गए। तो अब पहनेंगे जो आजकल चल रही है ना एडी वाली ज्वेलरी, आई थिंक वो पहनूंगी मैं। तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहेगा व्लॉग में। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। देखते हैं क्या समझ में आता है भैया, अभी तो कुछ आइडिया नहीं लगा। बाकी आप लोग ब्लॉग में देखते रहोगे, कहाँ से लिया, सेंस से लिया या रिगैलिया से लिया या कैलगरी स्टाइल से लिया, कहाँ से लिया आप देखते रहोगे। ये ग्लास लगाना चाहिए, मोड़ पे ही चाहिए ना? नहीं नहीं। अच्छा, तुम्हारी हम लोग की शादी में यहाँ देखने आए थे हम लोग, ये तुम्हारा लहंगा। हाँ हाँ। इधर आप लहंगा कहाँ से आए थे यहाँ? आओ बताओ। आज हमारी छोकरी बेजाना छोकरी पिज़्ज़ा। अभी हम हैं अमीनाबाद में, क्वीन पैलेसिया, क्वीन पैलेसिया प्लासिया क्वीन पैलेसिया अमीनाबाद। फर्स्ट टाइम हम लोग ने विजिट किया है यहाँ, इससे पहले कभी इंगेजमेंट में शादी में कभी विजिट नहीं किया। इत्तेफाक से ये आ गई, ये आ गई और सेलेक्ट हो गया। और यहाँ से हमने बहुत जल्दी सेलेक्ट कर लिया हम लोग ने एक ही शॉप। अभी शद्दू के साथ हमने एक ही शॉप आए, हम तो पूरा दिन से सुबह से निकले हुए हैं, ये शॉप पे थे। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। सर आपका नाम क्या है? सौरभ। सौरभ सर का हमारे बहुत बड़ा योगदान रहा। 2nd फ्लोर पे आप आइए, सौरभ सर से मिलिए और अपना जो भी है ले आइए विदाउट एनी स्पॉन्सर। बहुत अच्छे अच्छे इनके पास आर्टिकल हैं, आप एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। और आपको काफी अच्छी शॉप है, और आपको दिखाएंगे हम लोग ने क्या लिया। हाँ, वो दिखाएंगे आपको सीधा एनिवर्सरी वाले दिखाएंगे हम लोग ने क्या लिया। तो अब हम लोग आ चुके हैं शद्दू के लिए कोट पैंट का कपड़ा लेने, क्योंकि मेरा तो डिसाइड हो गया है। देखिए दुपट्टा नहीं भी मिल गया है मुझे, मत देखिए। और अब हम लोग शद्दू के लिए डिसाइड कर रहे हैं कोट पैंट का कपड़ा, है ना शद्दू? हाँ, देखते हैं कौन सा लेते हैं। हम लोग ट्विनिंग करेंगे, जैसे जिस कलर की ड्रेस मेरी है सेम शद्दू भी वैसे ही पहनेंगे, है ना? सेम। और निधि हम लोग के साथ मेरी हेल्प करा रही, शॉपिंग करवा रही। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में और क्या क्या ले रहे हैं सब दिखाते हैं आपको।
सो शद्दू का कोट पैंट फाइनल हो चुका है। कौन सा फाइनल हुआ है ये हम नहीं बताएंगे अभी, ये कल बताएंगे आपको। भैया शॉप का क्या नाम है? सानी स्टाइल से हम लोग शद्दू का कोट पैंट ले रहे हैं। ये भी अमीनाबाद में जो मोहन मार्केट है, मोहन मार्केट में जो तीन गलियां है ना उनमें से ही फर्स्ट वाली गली में ये शोरूम है। जैसे ही आप अंदर घुसेंगे वैसे ही, और इनका मेजरमेंट हो रहा है और इनका कोट पैंट हमने फाइनल कर दिया है बस। तो सारी शॉपिंग वॉपिंग निपटाने के बाद मैं घर गई, और उसके बाद मुझे याद आया, हमें पता चला कि मुझे शादी में भी जाना है। मन बिल्कुल नहीं था, बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, बट जाना तो था ही, रिलेशन में ही शादी थी किसी हमारे रिलेटिव की, तो वहाँ जाना भी ज़रूरी था। तो मैं, मम्मी, शद्दू, शाह, पापा सब लोग रेडी होके निकल गए शादी के लिए। सो हम रेडी हो चुके हैं ऑफिस जाने के लिए। ये रहे शद्दू। शद्दू काम करना जरूरी है, बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी। तैयारियां हैं, खुशी है, लेकिन काम भी करना, ऑफिस भी जाना जरूरी है। आप बुकिंग करा है? हाँ, बुकिंग करा दी। तो वीडियो और फोटो के लिए ये बुकिंग करा रहे हैं, और अब हम और ये जा रहे हैं ऑफिस। जल्दी से फटाफट ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में थोड़ा सा काम निपटाएंगे, उसके बाद जाना है मार्केट, तो वहाँ भी आपको अपने साथ ले चलेंगे। तो चलिए। सो अभी हम आ गए हैं, ये देखिए गाड़ी धुलवाने अपनी स्कैरेज में, और गाड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, लेट हो रहा है, लेकिन गाड़ी सब लोग बोल रहे हैं बहुत गंदी हो रही, गंदी हो रही है, तो गाड़ी धुलवा लेते हैं पहले। तो हम लोग घंटा घर के पास हैं अभी। हाँ, तो बताओ, अपने विचारों को व्यक्त करो, आपके आप क्या कहना चाहते हो? अरे ड्राइव करने का अपना एक अलग ही मजा है, बैठने के गाड़ी में बैठने का अपने ड्राइवर के साथ एक अलग ही मजा है। सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठ के फोन चलाना है और वीडियो देखना है और ऊट भाई को देखना है। ये रहे हमारे ऊट भाई, जा रहे हैं, देखिए आप, वो रहा आपका भूल भुलैया, लखनऊ का बड़ा इमाम बड़ा, ये रहा भूल भुलैया और ये रहा हमारा इमाम बड़ा। ठीक है भाई, तो चलिए चलते हैं ऑफिस। ऑफिस के बाद कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है हम लोगों को, करते हैं शॉपिंग वॉपिंग, करते हैं कुछ प्रिपरेशन, कुछ बुकिंग। सो भाई लोग, ये देखिए आज डेट क्या है, 31 जनवरी 4:09, और हम लोग अभी यहाँ बैठे कर रहे हैं अपना काम निपटा रहे हैं अपने ऑफिस में। ही देख लीजिए, ये है हमारी परसों की एनिवर्सरी है, और यहाँ बैठे बिना तैयारी किए यहाँ काम निपटाने के ऋषि। और हाँ। क्या करोगे अभी, कहाँ जाना है तुमको? अभी हमको मार्केट जाना है, अमीनाबाद, ज्वेलरी वगैरह लेना, मेकअप लेना है, थोड़ा सा ड्रेस तो फाइनल हो गई, आज ड्रेस उठाने भी जाना है ना 7 बजे, आपकी भी फाइनल हो गई है, मेरी भी फाइनल हो गई है, तो जाएंगे शाम में। ठीक है, ड्रेस दिखाते हैं फिर आप लोगों को शाम में। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं अमीनाबाद में गड़बड़ झाले में, यहाँ सारी ज्वेलरी चूड़ी वगैरह सब मिल जाएगी। तो यहाँ से अभी हमें चूड़ी लेनी है और थोड़ी ज्वेलरी परचेज करनी है, उसके बाद हम जाएंगे लहंगा उठाने। ये अमीनाबाद की बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ सारी ज्वेलरी वुलरी मिल जाती है। तो ज्वेलरी तो हमारी मिली नहीं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा, शद्दू कह रहे बड़ी चीप लग रही है, नहीं दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे। तो हम लोग आ चुके हैं अब शद्दू का सूट लेने, जो इन्होंने सिलने के लिए, मतलब कोट पैंट जो होता है वो इन्होंने दिया था कल, हम लोग ने जो लिया था तो वहीं इन्होंने स्ट्रेचिंग के लिए भी डाल दिया था, तो अब वो लेने जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको कि कौन सा लिया था इन्होंने, किस कलर का लिया था, क्या लिया था, कहाँ से लिया था। ये देखिए, यहाँ से लिया था, में अपना ड्रेस को रिसीव करने, ट्रायल करने कि हमारा ड्रेस रेडी हो पाया या नहीं। उम्मीद करते हैं पूरी के इनकी टीम ने रेडी कर दिया होगा। लेट्स चेक इट आउट, दिखाते हैं आपको अपना ड्रेस का लुक। सो गाइज, दिस इज़ माई आउटफिट, इट इज़ वेरी 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 ब्यूटिफुल। ये अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि लाइटिंग बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी पड़ रही है और कैमरे का लेंस भी साफ नहीं था। निधि से मैंने बोला था शूट करने के लिए, बट मैं जब रेडी होंगी, जब आप देखना, ये सूट बहुत, मतलब ये लहंगा बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत, और बहुत ही अच्छे प्राइस में। अमीनाबाद में एक शोरूम है क्वींस प्लासिया, आप ज़रूर विज़िट करना, बहुत अच्छा शोरूम है, बहुत अच्छे प्राइजेज में इनके वहाँ ड्रेसेस अवेलेबल हैं। और ये ड्रेस, और एक और चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा स्टाफ है यहाँ का। मेरे ड्रेस में कई बार ऑल्ट्रेशन हुआ है क्योंकि जो गला है वो बहुत ज़्यादा डीप हो गया था,
तो इन्होंने उस चीज़ को समझा और मेरे पास जबकि ज़्यादा टाइम भी नहीं था, फिर भी इन्होंने उस चीज़ को समझा और मेरा जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन दिया। बहुत अच्छी शॉप है, यहाँ से बिल वगैरह ले लिया था, ड्रेस उठा ली थी, कंप्लीट हो गया था सब कुछ। अब हमें जाना था शद्दू का ड्रेस लेने, तो देखते हैं शद्दू के ड्रेस के लिए क्या हुआ है। मैं आपको मोस्ट रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ ज़रूर विज़िट करना, अमीनाबाद में इनकी शॉप है क्वींस प्लासिया, बहुत बढ़िया शॉप है, शोरूम है बहुत अच्छा, तो ज़रूर से विज़िट करना। उसके बाद ले लिया था, मैं बहुत हैप्पी थी। अब मैं जा रही हूँ, देखती हूँ शद्दू के सूट का क्या होता है। तो ये देखिए शद्दू जा रहे हैं पैदल पैदल गाड़ी तक और हम और निधि जा रहे हैं स्कूटी से। और आपको बताएं क्या हुआ, शद्दू जहाँ अपना सूट उन्होंने दिया था सिलने के लिए, जहाँ से लिया था, वो उनका सही से सिल भी नहीं पाया, तो शद्दू का मूड ख़राब है। और मेरा ये देखिए मैंने ले लिया है, वहाँ का शूट ही नहीं कर पाई, भूल गई शूट करना फिर। तो बस अब शद्दू को अब कल क्या परसों फिर से वो आएंगे, क्योंकि कल थर्सडे और थर्सडे तो बंद है, तो थर्सडे कुछ खुला नहीं होगा, तो शद्दू को कुछ मिल ही नहीं पाएगा। अब परसों वो आएंगे या फिर कल उनके कारखाने, सीधा सीधा कारखाने जाएंगे जहाँ पे बन रहा था सूट। तो बस शद्दू का मूड भी ऑफ हो गया थोड़ा सा, और उनकी वजह से मेरा भी हो गया थोड़ा सा मूड ऑफ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। और मेरा तो चलिए मिल गया है, ज्वेलरी वुलरी कुछ ली नहीं मैंने, अब जो भी होगा वो कल होगा, कल थर्सडे, कल के बाद परसों फिर हमारी एनिवर्सरी है। तो हम पार्किंग में आ गए, हम यहाँ से गाड़ी शायद चेंज कर ले, हम गाड़ी लेके घर जाएंगे और शद्दू स्कूटी से आएंगे, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई, यहीं पे रुक जाओ निधि। लग रहे हैं पता है बहुत गंदे लग रहे हैं, क्योंकि सुबह से मार्केट में ही थक चुके हैं। तो अभी शद्दू आ रहे हैं, फिर पार्किंग से गाड़ी चेंज कर लेंगे, हम लोग घर से ले जाएंगे, फिर कल का दिन और बचा है, देखते हैं कल क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तैयारियाँ पूरी कम्प्लीट हुई नहीं है, तो देखते हैं कल क्या क्या कर सकते हैं। आपको अपने साथ रखेंगे, तो चलिए अभी घर चलते हैं। जमाना बदल गया, लोग हालात जज्बात सब बदल चुके हैं, बदल दी हम लोग। देखिए अभी तक लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है, परसों फंक्शन है और अभी लिस्ट बन रही है। और टाइम कितना हो रहा है, 1 बज रहा है रात के 1 बजे बाद अभी लिस्ट बन रही है, परसों फंक्शन है। ये देखिए अभी मुझे याद नहीं रहता सब लोटे पोटे, शाम को तो याद भी लिख दे। ये देखिए कल एनिवर्सरी है, ये बैठी सोच रही है कि पहने क्या, ये इन्होंने एक सूट निकाला है और अभी इन्होंने सोचा नहीं। और वो भी उधर बैठे हैं शाह, उनको भी नहीं पता कि अभी क्या पहनना है शाह, अभी नहीं पता। कल तो समझ ही में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है क्या पहने है। और कल एनिवर्सरी है और ये दोनों कुछ नहीं सोच रहे कि क्या पहनना है। अभी जा रहे हैं बेड खोलने, मम्मी के कपड़े देखेंगे क्या पहननी है। अच्छा मिलेगा वही पहन लेंगे। सो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज एक नया दिन है, कल इंशाल्लाह हमारी एनिवर्सरी है। आज है 1 फैब और कल है 2 फैब, तो 2 फैब को हमारी शादी हुई थी, कल हमारी एनिवर्सरी है। तो कल से परसों से मैं व्लॉग बना रही हूँ, आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसे आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बाकी का व्लॉग मैं अब नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी, जो कि आज और कल का होगा, कल एनिवर्सरी का, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे, देखोगे नहीं। बाकी अभी तैयारियाँ कंप्लीट नहीं हुई हैं और टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, दिन हो रहा है, अभी दोपहर हो रही है इस टाइम। तो शद्दू गए हैं कुछ काम से बाहर और मुझे भी अभी कहीं जाना है, तो अभी मैं बस तैयार होने जा रही हूँ, तैयार होकर फिर मैं बाहर जाऊँगी, नया व्लॉग स्टार्ट कर देंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।